हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास आया है हीरो इग्निटर। तो इस बाइक का बैक कवर चेंज करने वाला हूँ। ये बैक कवर देखिए, पहले से गम वगैरह डाला हुआ है और इधर वायर के जरिए से बाइंडिंग किया था, अभी ये चेंज करना है। और इसका प्राइस भी क्या है, पार्ट नंबर भी क्या है, आपको इस वीडियो के जरिए से देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, इसको पहले खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको ये टोटली दिखाने की कोशिश भी करने वाला हूँ। टोटली बाहर हो गया दोस्तों। अभी ये जो नया लेके आया हूँ, ये दोनों पार्ट रहते हैं, एक दो, यह से अलग। अभी ये दोनों का कितना प्राइस है वो भी देखिए। अभी जो लेके आया हूँ वो आपको देखने की कोशिश करो। ये देखिए, ये नीचे का आपको ये बाहर करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये नीचे का, अभी इसका जो पार्ट नंबर और इसका MRP प्राइस क्या है वो देखिए। देखिए पार्ट नंबर और नीचे प्राइस भी देखिए। देखिए दोस्त, अभी ऊपर का वो मैंने बाहर किया हूँ। अभी ये देखिए, और इसका जो पार्ट नंबर वो भी देखिए। देखिए दोस्तों, इसका पार्ट नंबर और इसका प्राइस दोनों अलग प्राइस है। और जो दोस्त नया काम सीखता है वो दोस्त को मालूम नहीं रहता है इसके साथ क्या क्या चीज़ दिया जाता है। दोनों के साथ दोनों चीज़ें दिया जाता है। और ये जो स्क्रू आप देख पा रहे, इधर लॉक भी है, कुछ नहीं मिलता है, वो अलग से खरीदना पड़ता है। देखिए दोस्त, ये तीनों स्क्रू खोलने का काम हो गया। अभी ये दोनों को दो तरफ खींचने से ये अलग होगा। देखिए देखिए दोस्त, ये अलग भी हो गया। इग्निटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका जो स्पेयर पार्ट्स, कलरिंग पार्ट्स वो थोड़ा लेट होता है दोस्तों, इसलिए मिलता है मेरे को ये पार्ट्स मिलने के लिए 7 days वेट करना पड़ा। टोटली बाहर हो गया। अभी जो नया जो पार्ट, ये नीचे वाला में बैकलाइट को सेट कर लेना है। अभी इस बैकलाइट को इधर सेट करके 4 स्क्रू, 1, 2, 3, 4, ये 4 स्क्रू को सेट कर लेना है दोस्तों। ये जो स्क्रू इसमें सेट करना है, और ये थोड़ा गैप रहता है इसलिए वॉशर वाला स्क्रू को लिए। वॉशर ये एक हो गया। अभी दूसरा इस तरह, ये सेट हो गया। देखिए दोस्त, ये जो इग्निटर का बैकलाइट सेट हो गया। देखिए अब देख पा रहे दोस्तों, अभी ये टोटल आप बाइक में सेट भी कर सकते हो, उसके बाद दूसरा पार्ट सेट कर सकते हो। मैंने अभी इसको टोटली बाहर सेट करके बाइक में सेट करने वाला हूँ। दूसरा पार्ट में जो सेल लॉक रहता है, देखिए एक साइड में 3 और दूसरे साइड में 3, ये से को सेट करना है, ज़रूरी है, नहीं तो ये साउंड आएगा वाइब्रेशन का तरह साउंड। और उसके बाद 2 रबर का रहता है, और 2 रबर का भी डालना है। एक रबर का बूट सेट करने का काम है, दूसरा इधर सेट करना है। अभी इसको सेट, देखिए इधर आराम से जो लॉक है बराबर कीजिए, और थोड़ा इस तरह देखिए ये सेट हो गया। अभी दूसरा साइड सेम, देखिए
टोटली साउंड है। अभी पास स्क्रू खुला था, वो पास स्क्रू को डालिए। अभी ये सेट करने से पहले और एक चीज आपको देख लेना जरूरी है, वो चीज इधर जो दो रबर रहते हैं, ये दो रबर, ये ज्यादा लूज हो गए तो साउंड आएगा। देखिए यह अभी पीछे वाला बराबर आ गया और सामने में इसको सेट करना है। देखिए नीचे एक ब्लॉक रहता है, इधर नीचे इस ब्लॉक को अंदर इस तरह से लगाना है और ये लॉक को इस तरह ऊपर उठाकर रखना है। देखिए यह अभी बराबर आ गया, लॉक भी सेट हो गया। देखिए दूसरा भी सेम प्रोसेस, ये जो लॉक, ये लॉक को अंदर देना है और ये जो कुछ इधर देना है ये थोड़ा ऊपर उठा के इस तरह से और अंदर दबाया, सेट हो गया। अभी दोनों दस नंबर इसको टाइट करना है और थोड़ा ए वाला को टाइट करना है। मैंने इस वीडियो के जरिए से दोस्तों आपको जितना बात बताने की कोशिश की वो जरूर अच्छा लगा होगा। और मैंने बाइक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपको बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाए दोस्तों। आज इतना ही, बस।